जय भोलेनाथ दोस्तों, 7:35 AM यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा। हाँ, SGX निफ्टी आपका 782, SGX निफ्टी 782, 60 पॉइंट्स माइनस है SGX निफ्टी। डाउ जोन्स कल 800 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है कल, यस्टरडे। और अभी टाइम हो गई 7:37, 7:37 AM। तो कल फिर से एक बार SGX निफ्टी आपका 15,980 तक आया था या 16,000 तक ही पहुंचा था, लेकिन फिर से रात को फिर से डाउ जोन्स 800 पॉइंट गिर गया। और रशिया यूक्रेन का अभी भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात हो गई मार्केट के लिए। और कल कॉमोडिटीज़ में जो उछाल देखी, मैंने पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कोई कॉमोडिटी एक दिन में 70% 75% बढ़ जाए। कल निकल की प्राइजेज में एक दिन में 70% की राइज हुई है, एक दिन में। ये मैंने जीवन में अपने 35 साल हो गया होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 33 से 35 साल का जो भी मेरा करियर है उसमें मैंने कभी ऐसा दिन तो नहीं देखा कि कभी भी एक दिन में 75% कोई कमोडिटी राइज हो जाए, इम्पॉसिबल जैसी। लेकिन रशियन क्राइसिस के कारण, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है निकल का, तो उस हिसाब से कंसर्न्स के कारण वो बढ़ गई। लेकिन वो टिकने वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये सब में हाथ डालना ठीक नहीं रहता है इस समय, ऐसा रहता है अवॉइड करिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जिसका आपको ए और बी दोनों नहीं मालूम है तो कहाँ जाएगी ये मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्रूड में किसको पता था कि हम $120 भी देखेंगे, उसी क्रूड को जो 2020 की अगस्त के आसपास -40 चल रहा था, -40 मतलब जीरो से भी $40 नीचे आया था। तो ये मार्केट आपको सारे रंग दिखाएगा। और अभी मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, SGX निफ्टी 62 पॉइंट्स डाउन है और डाउ जोन्स कल 800 पॉइंट डाउन हुआ था। तो मैं उसके बावजूद भी मैं आज आपको बोल रहा हूँ मार्केट खुलेगा भी पॉजिटिव, ऊपर भी जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि 16,050-60 के आसपास टिकता कि नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने से प्रॉफिट बुक करिए। अगर 16,060 के ऊपर टिकेगा तो एडिशनल बाई करिएगा। अगर टिकता है 16,060 के ऊपर 20-25 मिनट से ज़्यादा टिकता है तब, वरना एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। ओवरऑल मैं तेज़ी में हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि मैं ओवरऑल 17,500, 17,750, 18,000 और 18,300 के टारगेट लेके ही चल रहा हूँ इस मंथ के लिए, 31 तारीख की जो एक्सपायरी। लेकिन आज के लिए अगर पूछ रहे हो तो 16,050 से 16,060 का लेवल या तो प्रॉफिट बुक करिए या वेट कर लीजिए उस समय कि इसके ऊपर और टिकता कि नहीं। मैं मंदी की आज बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो SGX निफ्टी आपको 62-65 पॉइंट, ये सुबह सुबह तो मैंने देखा था तो 200 पॉइंट भी माइनस था, 200 पॉइंट, तो ये खुलते खुलते प्लस हो जाएगा। अभी 7:40 भी हुई है, मैंने 7:37 पे वीडियो स्टार्ट किया था, तो अभी सुबह होने में काफ़ी टाइम है, 9:15 में अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, तब तक कुछ भी हो जाएगा। फिर भी सावधान रहिए। नीचे का एक सपोर्ट आपको बताता हूँ मार्केट के लिए, 15,600 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा आज, 15,600 अगर नीचे आता है तो 15,600 के नज़दीक तो पूरा दम लगा के बाई करना चाहिए। फिर भी मैं आज पॉजिटिव रहूँगा और मुझे लगता है ओपनिंग भी पॉजिटिव होगी और शायद गैप अप जैसी ही होगी। अभी तो बहुत ऐसा लग रहा होगा आपको, 7:40 हुए, 65 पॉइंट माइनस, और ये आदमी क्या बोल रहा है, लेट्स सी क्या होता है।
मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी स्टडी पे, तो मैं पॉजिटिव ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज। और 16,060 16,080 के 80 तक आज पक्का हाई जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इतना जाना ज़रूरी है। तो बस शॉर्ट एंड स्वीट, रशिया यूक्रेन क्राइसिस अभी भी चालू है, कौन उनको सद्बुद्धि देगा मालूम नहीं है। अब तो लगता है धरती पे भोलेनाथ को ही आना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, पुतिन साहब रहने दो, छोड़ो बच्चे को, बच्चा भी तो कम नहीं है, वो भी तो बोलता है मैं भी तेरे को मारूंगा। अरे यार, वो ठीक से मुंह देगा तो तेरा देश, तेरे देश में बाढ़ आ जाएगी। इन अमेरिका के दम पे उछल रहा है जो किसी अपने बाप का ही नहीं हुआ कभी। एनीवे, ये चलते रहेगा, बट आई एम पॉजिटिव और मुझे लगता है अब यहाँ से मार्केट बुलिश ही रहेगा, निगेटिव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और आज कल से मैं बैंक निफ्टी में बड़ा उछाल देख रहा हूँ, अगर आज से नहीं हुआ तो कल से डेफिनेटली होगा, बहुत बड़ा उछाल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।